हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप मंडे मंडे तो कल छुट्टी है, ट्यूसडे से अगर वो लेवल के ऊपर या नीचे मिलते हैं तो उसमें अच्छी रैली दिखा सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने निफ्टी का भी व्यू देखेंगे कि निफ्टी में कहाँ पर रेजिस्टेंट ले सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं, तो वो सारा व्यू अपने देखेंगे। उससे पहले गाइस, अगर कल का वीडियो आपने देखा नहीं है तो जाके देख सकते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक अपने हर सैटरडे को लेके आते हैं, 3 से 12 महीने पोजीशन बना के रखोगे तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है और मोमेंटम स्टॉक होते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिटर्न भी दे सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक अगर आप लेने चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो ये वीडियो अगर जाके देखा नहीं है तो जाके देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग देते हैं। लाइव मार्केट में यानी कि जैसे कि चार्ट मैंने शेयर किया था फ्राइडे को, ऐसे ही चार्ट अपने शेयर करता रहता। तो अभी अपने चलेंगे गाइस स्टॉक के बारे में, उससे पहले निफ्टी का व्यू देख लेते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। तो गाइज, आपको अगर कल लास्ट संडे का वीडियो जो लोग ने देखा होगा याद होगा, तो उसमें आपने बोला ही था कि निफ्टी में अगर लास्ट संडे की बात कर रहा हूँ कि निफ्टी अगर 17,500 के ऊपर क्लोज देती है तो आपको उसको में अच्छी रैली दिखा सकता है और 18,000 तक भी जा सकती है, ऐसा लास्ट संडे के वीडियो में आपने बोला था। तो सेम ऐसा ही हुआ था, देखोगे तो मंडे को 17,525 पे निफ्टी ने क्लोज दिया था, उसके बाद निफ्टी में अच्छी रैली आई और 17,700 के ऊपर भी गई थी निफ्टी। अभी और मैंने एग्जैक्ट निफ्टी देखी तो वो 17,840-50 के आसपास अभी क्लोज दिया है, यानी कि निफ्टी में गैप अप होने का बहुत हाई चांस है। अभी देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो अभी अपने चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं व्यू, फिर भले मार्केट कहीं पे भी ओपन हो। तो अभी देखो निफ्टी में व्यू कहाँ पे आएगा, आप देखोगे तो मैंने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट ओपन करके रखा है। आप देखोगे तो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में कर क्या रहा है, यहाँ पे ऊपर गया रिजेक्शन आया, ऊपर गया रिजेक्शन आया, ऊपर गया रिजेक्शन आया। और अभी एग्जैक्ट देखोगे तो अभी फिलहाल फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से तो यहाँ पे रेसिस्टेंट लेना चाहिए निफ्टी को, लेकिन निफ्टी आप देखोगे तो मंडे को यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट निफ्टी ये इंडिकेट कर रही है कि अभी 100-150 पॉइंट ऊपर ही क्लोज दिया। अभी मंडे को कैसा परफॉर्मेंस देती है, अगर रेड कैंडल बना के नीचे भी आ जाती है तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से तो निफ्टी अपने जो लास्ट संडे भी बोला था कि 17,500 के ऊपर क्लोज देगी तो निफ्टी 18,000 भी जा सकती है। तो उसके हिसाब से तो देखोगे तो ये उसका ये जो पहले हाई मारा था वो क्या हो जाएगा, रिजेक्शन एरिया हो जाएगा। निफ्टी यहाँ खोलेगी, थोड़ी गैप अप भी ऊपर जाएगी, उसके बाद यहाँ से नीचे भी आ सकती है, पहला रीजन हो सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पे खुलती है, समझो ऊपर खुलती है तो नीचे आएगी तो भी, क्योंकि अभी क्या हो गया उसका रिजेक्शन एरिया क्या हो गया, अभी सपोर्ट एरिया बन जाएगा, उसके जो ट्रेंड लाइन थी वो सपोर्ट बन जाएगी। यहाँ पे खुलेगी और नीचे आएगी 1-2 दिन तो भी यहाँ पे सपोर्ट लेगी और फिर से यहाँ पे ऊपर चली जाएगी, यानी आने वाले 1-2 वीक में निफ्टी क्या करेगी, ये जो रेंज है उसकी यहाँ पे 18,150 की रेंज और नीचे की आएगी करीब 17,600 की रेंज, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पास कर सकती है। तो उसके हिसाब से अगर आपको निफ्टी को सेल करना है तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। निफ्टी का रेसिस्टेंट एरिया ये आएगा, सप्लाई एरिया यानी कि 18,050 और 18,150। तो आपको जितना रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप 50 पॉइंट का रिस्क लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से सेल कर सकते हो। जैसे कि 50 पॉइंट का रिस्क लेना है तो आपको निफ्टी को 18,100 पे सेल करना है, 18,150 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं 100 पॉइंट का रिस्क लेना चाहता हूँ तो आप निफ्टी को 18,050 पे सेल कर सकते हो, 18,150 का स्टॉप लॉस, यानी कि आपका स्टॉप लॉस तो 150 ही रहेगा, 18,150। तो अभी आपको डिसीजन लेना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। सेम नीचे सपोर्ट एरिया कहाँ पे आएगा निफ्टी का, 17,650 और 17,600 का आएगा। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो निफ्टी को यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, 650 पे 600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 100 पॉइंट का रिस्क लेना चाहता हूँ तो निफ्टी जब 17,700 पे आए तो 17,600 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ का मार्केट ऊपर जाएगा तो रिजेक्शन आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको निफ्टी में करना है स्टॉप लॉस, उसके हिसाब से लगाना है। रेसिस्टेंट एरिया आपको बता दिया, सपोर्ट एरिया बता दिया। तो अब ये निफ्टी का व्यू हो गया, अभी अपने चलेंगे स्टॉक के बारे में बताऊंगा। उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा एलिकॉन। एलिकॉन को आपको क्या करना है, बाय करना है, बाय करना है, लेकिन कंडीशनल बाइंग रहेगी। आपको लॉजिक के साथ बता देता हूँ। जो लोग गाइस पहली बार वीडियो देख रहा है प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप बहुत मतलब वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अपने कौन से सेटअप की बात कर रहे हैं और कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है,
वीकली मोमेंटम स्टॉप। तो आपने पहले डेली होता है तो डेली चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है वीकली मोमेंटम स्टॉप। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ से क्या करना है, मोमेंटम स्टॉक का वर्ड आता है तो आपने चार इंडिकेटर यूज करते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वो मैं देखो सेटअप लगा के रखा है, तो चार इंडिकेटर लगा देते हैं। और आपको मैंने क्या बोला, वीकली मोमेंटम स्टॉक, तो वीकली मोमेंटम स्टॉक है तो यहाँ से वीकली चार्ट ओपन कर दिए। अभी आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले रूल समझा देता हूँ वीकली मोमेंटम स्टॉक क्या होता है। तो जब भी ADX चार इंडिकेटर देख लो, विलियम्स आर, ऑसम इंडिकेटर और चौपिनेस इंडिकेटर, अपने चार इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो रूल्स के हिसाब से चारों इंडिकेटर का रूल्स क्या है, ADX की वैल्यू 25 के ऊपर होनी चाहिए, विलियम्स आर की वैल्यू -20 के ऊपर होनी चाहिए। तो देखो विलियम्स आर की वैल्यू -20 के ऊपर नहीं है, -22 यानी कि नीचे जा रही है, तो इंडिकेटर साथ नहीं कह रहा। ऑसम इंडिकेटर 0 लाइन के ऊपर होना चाहिए, ग्रीन बार में होना चाहिए, और चौपिनेस इंडिकेटर क्या होना चाहिए, 40 के नीचे होना चाहिए। तो आप देखोगे तो चार में से तीन इंडिकेटर अपने को साथ दे रहा है, यानी कि ये स्टॉक है मोमेंटम स्टॉक है, आने वाले 1 से 10 वीक वीकली चार्ट है, यानी कि 10 कैंडल होती है, नॉर्मली डेली होता है तो 1 से 10 दिन होता है, वीकली है, वीकली कैंडल है, यानी कि 1 से 10 वीक आने वाले ऊपर जा सकता है स्टॉक एलिकॉन। आपको गाइज पता होगा कि एलिकॉन अपने प्रीवियस में भी दिया था, अगर आपको देखना है वीडियो तो जाके देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 1 तारीख को रेकमेंड किया था, 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को क्या था, 1 जुलाई को शायद फ्राइडे क्लोजिंग था, उसके बाद 4 तारीख को स्टॉक ओपन हुआ था, 4 तारीख को मैंने बोला था 264 के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे वहाँ पे आपको बाय करना है, तब मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कितने, मतलब यहाँ पे भी मोमेंटम यही सेटअप आ रहा था, यहाँ पे देखोगे तो तब भी उसकी वैल्यू यही थी, यहाँ पे भी देखोगे तो 40 के, तो यहाँ से मैं बाय बोला था, 264 के ऊपर से बाय बोला था कि स्टॉक आने वाले 1 से 10 वीक ऊपर जा सकता है। तो देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 वीक हुआ, लेकिन अभी फिर से सेटअप आ रहा है, यानी कि फिर से ये स्टॉक अभी भी मोमेंटम में रह सकता है, तो वो बात की बात है। तो ये हो गया अपना वीकली चार्ट पे, अपने को पता चल गया कि ये स्टॉक मोमेंटम में रह सकता है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी छोटे टाइम फ्रेम में अपने को एंट्री लेनी है, तो डेली वीकली का छोटा टाइम फ्रेम अपने यूज करते हैं डेली चार्ट। तो जब भी डेली चार्ट पे एंट्री लेते हैं तो आपको करना क्या है, चारों इंडिकेटर हटा देने हैं, चारों इंडिकेटर हटा के आपको प्राइस एक्शन ढूंढने का ट्राई करना है। तो प्राइस एक्शन इसमें कौन सा बनेगा, या तो आपको रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट बने तो भी चले, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता है तो भी चलते हैं, और अपना जो रूल्स है बाय ऑन डिप ADX और विलियम्स आर बाय ऑन डिप होता है तो भी चलता है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, आप देखोगे तो डेली चार्ट में मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है इसको, आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्री के लिए अपने प्राइस एक्शन ढूंढते हैं, यहाँ पे भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और अभी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास स्टॉक आया हुआ है। तो अभी यहाँ से बाय करना है तो कैसे बाय करना है, कंफर्मेशन के लिए अपने को ये जैसे ही रेड कैंडल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिए, वो रेड कैंडल का हाई क्रॉस करके ऊपर जाता है स्टॉक, तो ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है, अगर रेड कैंडल का लो पहले ब्रेक करके नीचे आता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप में काउंट होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने रेकमेंड किया था, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाय बोला था, इसका डेट आप देखोगे तो 1 जुलाई थी, और मैं 4 जुलाई को स्टॉक ने अच्छे से परफॉर्मेंस दिया और स्टॉक ऊपर भी गया था। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कर्सर ला के, देखो यहाँ से तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर की साइड, यहाँ पे कौन सी 1 जुलाई आ रही है, यहाँ पे देखो एक कैंडल जो दिख रही है, नीचे डेट भी दिख रही है 1 जुलाई 2022। तो 1 जुलाई को बोला था उसका हाई कितना था, 263.7 था, मैंने बोला था नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि वो भी स्विंग ट्रेड ही था क्योंकि संडे को ही अपने दिया था, 264 के ऊपर स्टॉक को बाय बोला था, और मंडे को देखो उसने 268 का हाई मारा था, यानी कि कॉल एक्टिव हुआ था, उसके बाद देखो स्टॉक ने 264 से 393 का हाई मारा, यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका रिटर्न कितना मिल सकता है। ऐसे ही मोमेंटम स्टॉक होते हैं, आपको आराम से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, और मोमेंटम अपनी जो स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छे से काम भी करती है। अगर आपको वीडियो देखना है तो भी स्विंग ट्रेडिंग का देख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो में डेट होगा 4 जुलाई से 8 जुलाई का डेट होगा, तो वो देख सकते हो जाके। तो ये अपना एलिकॉन हो गया, एलिकॉन को बाय कब करना है, अभी CMP आप देखोगे तो 340.8 है, अभी CMP पे बाय नहीं करना है, बाय अबो 348 के ऊपर बाय करना है, 338 का स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे 370 और 380 का टारगेट आ सकता है, 1 से 7 दिन लग सकते हैं। तो ये अपना पहला कॉल हो गया एलिकॉन, जो आपको बाय करना है, 348 का लेवल क्रॉस करेगा तो ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखाएगा, अगर समझो 338 का लेवल पहले ब्रेक करता है, क्योंकि CMP
340 है और 300 यानी कि स्टॉप लॉस के नज़दीक है। अगर पहले नीचे ब्रेक करता है तो इसमें गिरावट भी आ सकती है, इसीलिए आपको स्टॉक को अवॉइड करना है, यानी कि इनवैलिड सेटअप में काउंट हो जाएगा। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया एलिकॉन जो आपको बाय करना है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बता रहा हूँ जिसका नाम है चोलामंडलम फाइनेंस। चोलामंडलम फाइनेंस अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से देख सकते हो, पहले प्राइस एक्शन में भी अच्छे से स्टॉक यहाँ पे देखो रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन, यानी कि ये स्टॉक का क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया। उसके बाद एक दिन यहाँ पे आया था लेकिन क्लोज सप्लाई जोन के अंदर दिया, उसके बाद अच्छे से कैंडल ग्रीन बना के ऊपर क्लोज दिया, और ये रेड कैंडल देखोगे तो रिटेस्ट करने आया और अभी रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी अच्छे से क्लोज दिया, यानी कि क्या हो गया, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट उसका डन हो चुका है। ऑलरेडी ब्रेकआउट ले भी चुका है और रिटेस्ट भी यहाँ पे कर चुका है और उसके ऊपर अभी ट्रेड भी कर रहा है, यानी कि ये तो प्योरली प्राइज एक्शन के हिसाब से हो गया, प्राइज एक्शन के हिसाब से ही हो गया। लेकिन अभी अपने वो इंडिकेटर लगा के देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कौन है, मोमेंटम में भी है कि नहीं है और सही ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके लिए अपने क्या कर रहे हैं, ये चार इंडिकेटर लगा देंगे, चार इंडिकेटर से भी आप देख सकते हो कि स्टॉक मोमेंटम में है कि नहीं है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ADX की वैल्यू, विलियम सार की वैल्यू, तो देखो ADX की वैल्यू 25 के ऊपर है, विलियम सार की वैल्यू -20 के ऊपर है, और यहाँ पे ऑसम इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर है और चौपिनेस इंडिकेटर 40 के नीचे, यानी चारों इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक मोमेंटम में आने वाले 1 से 10 दिन में ऊपर की साइड जा सकता है। और आपको अपने स्टॉप लॉस तो पता चल ही गया क्योंकि उसका अभी सप्लाई जोन था, अभी यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। तो आपको अभी क्या करना है, चोलामंडलम फाइनेंस अभी CMP कितना है, 783.7 है, तो आपको CMP पे बाय कर सकते हो, ओपन प्राइस पे भी बाय कर सकते हो। बाय ऑन डिप अगर थोड़ी गिरावट भी आती है, समझो कि नीचे आती है, लास्ट संडे भी बोला था आपको, लास्ट संडे एक स्टॉक था मोंटी कार्लो, उसमें क्या बोला था 730 क्लोजिंग थी, तो उसमें सेम बोला था ओपन प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, गिरावट में भी बाय कर सकते हो। तो मोंटी कार्लो 715 तक भी आया था, उसके बाद देखोगे तो स्टॉक अभी 780 के ऊपर भी चल रहा है। तो आपको दोनों तरफ से करना है, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो वेट करो, थोड़ा नीचे आए तक बाय करो, या तो एवरेज भी कर सकते हो, जैसे कि अभी ओपन प्राइस 780 पे बाय कर सकते हो, नीचे आता है 770 पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा 761 का, 761 आता है तो आप इसमें से एग्जिट भी हो सकते हो। टारगेट इसमें 810 और 840 के आ सकते हैं, टाइम पीरियड लग सकता है 107 दिन, नहीं ये एक्चुअली गलती हो गई टाइपिंग करने में, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 1 से 7 दिन का अपना टाइम पीरियड रहेगा। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया चोलामंडलम फाइनेंस, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बाय बता रहा है और अपने मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से भी मोमेंटम में स्टॉक ऊपर की साइड जा सकता है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है न्यूलैंड लैब। न्यूलैंड लैब को आपको सेल करना है, सेल करने के लॉजिक उसमें भी समझा देता हूँ। देखो क्या लिखा है, डेली डाउन मोमेंटम स्टॉक, जैसे कि एलिकॉन और चोलामंडलम में क्या था, ऊपर की साइड मोमेंटम था, लेकिन अपने मोमेंटम के लिए चार इंडिकेटर तो फिक्स रहेंगे, ADX, विलियम्स आर, ऑसम इंडिकेटर और चौपिनेस इंडिकेटर। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ADX की वैल्यू तो 25 के ऊपर ही होनी चाहिए, लेकिन ये जो उसमें ग्रीन लाइन ऊपर होती थी क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा था, इसमें रेड लाइन ऊपर होगी, तो देख सकते हो नीचे की साइड मोमेंटम है, तो 25 के ऊपर, विलियम्स आर की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, जिसमें इसमें -20 के ऊपर हुआ करती थी, इसमें -80 के नीचे होनी चाहिए। ऑसम इंडिकेटर क्या होना चाहिए, जीरो लाइन के नीचे रेड कलर में होना चाहिए, क्योंकि अपने अभी सेलिंग साइड पे है स्टॉक है, क्योंकि और चौपिनेस इंडिकेटर तो 40 के नीचे ही होना चाहिए। चौपिनेस इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, जब भी चौपिनेस इंडिकेटर 40 के नीचे होता है तो वहाँ से स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है, फिर वो ऊपर की साइड भी हो सकते हैं, नीचे की साइड हो सकते हैं, यानी कि आपको चारों इंडिकेटर में ये इंडिकेटर है वो तो मस्ट है, मस्ट है, यानी कि ये तो 40 के नीचे होना चाहिए तभी आपको ये तीन इंडिकेटर देखने हैं। अगर ये 40 के नीचे नहीं है तो फिर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, इसको तो 40 के नीचे ही होना चाहिए। अभी आपको इसमें तीन इंडिकेटर में कोई एक आगे पीछे होगा तो वो चल जाएगा, लेकिन आपको ये तो होना ही चाहिए। तो चारों इंडिकेटर अपने को बता रहा है कि ये स्टॉक नीचे की साइड मोमेंटम दे सकता है आने वाले 1 से 10 दिन में। तो अभी कहाँ पे आप सेल कर सकते हो, CMP पे तुरंत सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखोगे तो बैक टू बैक यहाँ पे 3-4 दिन से ये स्टॉक यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है, तो अभी CMP पे सेल करके आपका स्टॉप लॉस होने के बहुत हाई चांस है। तो अभी अपने इसको ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे, जैसे ही ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है 168 का लो है, तो अपने सेल करेंगे स्टॉक को। अभी CMP कितना है 191, तो सेल बिलो 1066, 1066 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा स्टॉक नीचे की साइड, तो इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है
और 1102 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। नीचे के साइड स्टॉक 1030 और 1000 के लेवल 1 से 7 दिन में आ सकते हैं। तो गाइज आप अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो अभी कैश मार्केट का है तो इसको कैसे सेल करें 1 से 7 दिन के लिए। तो आपको क्या करना है, मैं आपको रूल समझा देता हूँ। समझो कि आपने ट्यूजडे को स्टॉक नीचे गिरा और आपने 1066 पे सेल किया, स्टॉक ने 1060 पे क्लोज दिया। ध्यान से सुनना गाइज, 1060 पे ट्यूजडे को 3:20 को ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, 3:20 को 1060 पे उस स्टॉक को बाय कर लेना, यानी कि आपका स्क्वायर अप हो गया। अभी नेक्स्ट डे यानी कि वेनसडे को फिर से आपको देखना है कि स्टॉक 1060 के आसपास जो आपने शाम को बाय करके गए थे वही लेवल पे है, तो वही लेवल पे फिर से सेल करना है। 1060 पे मिलता है तो वहाँ पे सेल करना है। फिर वेनसडे को 3:20 को देखना है कहाँ पे स्टॉक, समझो कि नीचे स्टॉक 1040 पे ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे 1040 पे फिर से बाय कर लिया। फिर से आपको थर्सडे को 1040 पे फिर से सेल करना है, और नीचे अगर आता है तो वैसे ही आपको 1000 तक आप इसको लेके जा सकते हो। यानी कि आपको करना क्या है, इंट्राडे करना है, लेकिन नेक्स्ट डे का आपने जो लेवल पे बाय कर लिया था वहाँ पे फिर से सेल करने का मौका मिलता है, तो सेल करते इसके ऐसे गिरावट आ सकती है स्टॉक में, तो ऐसे आप सेल कर सकते हो स्टॉक को। तो ये अपना तीसरा स्टॉक हो गया, न्यूलैंड लैब स्टॉक का नाम रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस किया। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो दोनों साइड जा सकता है। दोनों साइड यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, HCL टेक अपने पिछले लास्ट वीक भी बहुत 2-3 बार रेकमेंड किया था, लेकिन आप देखोगे तो स्टॉक ये जो 970 का लेवल और 945 का लेवल वो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल से वो इनसाइड बारी बना रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो। तो आप देख सकते हो स्टॉक का नाम है HCL टेक, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो बोथ साइड मूवमेंट पॉसिबल है। बोथ साइड यानी कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो CMP अभी देखोगे तो कितना है, 956.4 का CMP है, तो बाय अबो 970, क्योंकि आप बैक टू बैक देखोगे उसका। मैं आपको समझा देता हूँ लॉजिक। तो देखो स्टॉक डेली चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया सपोर्ट लिया, और सपोर्ट एक दिन ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद देखोगे तो बार बार ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन भी इतना भी नहीं आ रहा। आप देखोगे तो स्टॉक पिछले 10 दिन से क्या कर रहा है, उसका जो है पहले सपोर्ट एरिया था वो अभी स्टॉक का सप्लाई एरिया हो गया, तो सप्लाई एरिया में ट्रेड कर रहा है, लेकिन सप्लाई एरिया से नीचे भी नहीं गिर रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा है, यानी कि स्टॉक टाइट रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर समझो कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत बड़ी ऊपर की साइड भी रैली आ सकती है और स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। अगर नीचे की साइड पहले लेवल ब्रेक किया तो नीचे की साइड भी स्टॉक जा सकता है, इसीलिए 970 और 945 का लेवल बहुत अहम हो जाएगा। तो 970 का लेवल क्रॉस करेगा तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 945 का। अगर 945 पहले क्रॉस करता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 970 का। ऊपर की साइड अगर 970 पहले ब्रेक करता है तो 1000 और 1030 के लेवल आ सकते हैं, वो भी 1 से 7 दिन में। और नीचे की साइड अगर पहले ब्रेक करता है तो डाउन साइड 930 और 920 के लेवल नीचे की साइड आ सकते हैं, वो भी 1 से 7 दिन में। तो ये स्टॉक रहेगा जो दोनों साइड ऊपर या नीचे जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। और गाइज आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं जो लेवल देता हूँ बहुत अहम होता है, अगर वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होता है तो एग्जिट करना ही पड़ेगा। आप वेट मत करना, क्योंकि वहाँ से वो स्टॉक ऊपर की या नीचे की साइड बहुत अच्छे से रैली देता है, जैसे कि लास्ट फ्राइडे को ही औरोबिंदो फार्मा मैंने दिया था, 575 पे दिया था, 590 स्टॉक का स्टॉप लॉस लेवल था, तो आपको 590 पे निकलना ही था। 590 पे निकलोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि सेल साइड सेम ही सेटअप था उसका भी, तो फिर क्या होता है कि समझो कि इसको मैंने बोला कि 945 पे आपको सेल करना है, और नेक्स्ट डे कुछ न्यूज आए और कुछ भी हो स्टॉक 970 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया, तो आपने क्या सोचा कि यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, तो स्टॉक ऐसा नहीं है, 970 पे बोला यानी कि एग्जिट करना है, क्योंकि उसका लास्ट स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और स्टॉक में बहुत बड़ी ऊपर की साइड रैली भी आ सकती है और आप फंस सकते हो, इसीलिए स्टॉप लॉस आपको टाइट लगा के ही रखना है, भले आपका नुकसान आए लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो गाइज मैंने आपको 4 स्टॉक बताए और निफ्टी का व्यू बताया कि निफ्टी को कहाँ पे बाय और सेल करना है। पहला स्टॉक का नाम रहेगा एलिकॉन, जो आपको कंडीशनल बाइंग करनी है। चोलामंडलम फाइनेंस, जो आपको बाय ऑन डिप भी करना है और ओपन प्राइस पे भी बाय कर सकते हो। उसके बाद सेलिंग साइड में न्यूलैंड लैब को आपको क्या करना है, कंडीशनल सेलिंग करनी है। और HCL टेक को आपको ऊपर या नीचे की साइड दोनों साइड बाय और सेल कर सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और प्लीज़ गाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मैं लाइव मार्केट में ट्रेडिंग देता रहता हूँ, तो आपको और चार्ट एनालिसिस भी आप सीख सकते हो और अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो। तो गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में। वैसे कल तो
मतलब कल तो मार्केट की छुट्टी है, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में। और कल तो मार्केट में कुछ देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा स्ट्रेटजी लेके आओ तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि किसके बारे में मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, स्ट्रेटजी के बारे में बनाऊँ या कुछ लॉजिक के बारे में मतलब बताऊँ। तो आप बता सकते हो, अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और जिसका मैक्सिमम कमेंट आएगा उसके बारे में मैं वीडियो बना के लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।